बहुत से लोगों को नहीं पता कि इडोटेन से नारुतो के बाद रिनिगान कैसे आई, और जिनको पता है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, मगर जिनको नहीं पता ये वीडियो उनके लिए है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो भी शिनोबी रिवाइव होते हैं इडोटेन से के जरिए उनके पास वही नेचुरल एबिलिटीज होती है जो उनके पास बर्थ के टाइम होती है, और नागोटो उज़ुमाकी क्लैन से था, और जो की उज़ुमाकी क्लैन वालों के पास रिनिगान तो नहीं होती है, और जो नागोटो के पास रिनिगान थी वो तो मदारा ने इम्प्लांट करा था। तो इसका मतलब है जब नागोटो बोर्न हुआ था उसके पास रिनिगान नहीं थी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है नागोटो रिनिगान के साथ बोर्न नहीं हुआ था तो इसका मतलब है वो ओरिजिनल ओनर भी नहीं है, तो उसको रीएनिमेशन जुत्सु को यूज कर रिवाइव करा गया, तो उसके बाद रिनिगान कहां से आई। और आप लोगों ने एक चीज और नोटिस करा होगा, नागोटो के लेग भी रिस्टोर हो गए थे और वो प्रॉपरली चल भी सकता था, क्योंकि रियल लाइफ में नागोटो के लेग इमोबिलाइज हो गए थे जिसकी वजह से वो चल भी नहीं सकता था। जब उसकी हिडन रेन विलेज में हांजो के साथ फाइट हुई थी उस टाइम पे बहुत सारे पेपर बॉम्ब्स को यूज कर नागोटो के एंकल्स पे अटैच कर ब्लास्ट कर दिया गया था, और उस टाइम पे आसपास मेडिकल निंजा न होने के कारण उसका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाया जिसकी वजह से उसके लेग्स इमोबिलाइज हो गए थे और वो चल भी नहीं सकता था। तो अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे, आखिर कैसे इडोटेन से नागोटो के पास रिनिगान और उसके पैर रिस्टोर कैसे हो गए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि नागोटो को उसके नेचुरल एट्रीब्यूट के साथ रिवाइव नहीं करा गया था जो उसके बर्थ के टाइम थे, क्योंकि काबुटो का रीएनिमेशन जुत्सु बाकी सभी से एडवांस है। काबुटो पर्सन को रिवाइव कर सकता है उसकी सारी एबिलिटीज के साथ, और यहाँ तक की केके गेन के टेक्निक्स को भी जो वो जिंदा रहते टाइम यूज करता था। इसका मतलब है काबुटो पर्सन को उसकी प्राइम फॉर्म पे रिवाइव कर सकता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल आप मदारा उचिहा से ले लो, क्योंकि काबुटो ने मदारा उचिहा को रिवाइव करा था उसके काफी यंगर एज में, क्योंकि हम सबको पता है मदारा उचिहा की डेथ हुई थी उसकी ओल्ड एज होने की वजह से, और जो काबुटो ने मदारा उचिहा को रिवाइव करा था वो काफी यंग था और उसके बाद रिनिगान भी थी, क्योंकि मदारा उचिहा ने रिनिगान को काफी ओल्ड एज में अवेक करा था। तो इससे ये कंफर्म होता है काबुटो पर्सन को उसकी प्राइम फॉर्म पे रिवाइव कर सकता है, और यही चीज उसने नागोटो के साथ भी करा था जिसकी वजह से रिवाइव होने के बाद भी नागोटो के पास रिनिगान उसके पैर रिस्टोर हो गए थे। तो यार आप लोगों के आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो, और भी नाउटो से रिलेटेड वीडियोस के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।